दो दिनों के लंबे इंतजार के बाद धोनी से मिली चेन्नई से आई लावण्या। धोनी से उसकी यह मुलाकात खास रही क्योंकि दो दिनों के इंतजार करने के बाद भी लावण्या धोनी से बिना मिले चेन्नई के लिए रवाना हो चुकी थी। वह बिना मिले अपने घर जा रही थी। वह उदास थी क्योंकि धोनी के जन्मदिन के दिन वह उससे मिलना चाहती थी, उससे दो बातें करना चाहती थी, अपने साथ लाए गिफ्ट को उसके हाथों में देना चाहती थी। लेकिन उसकी यह उदासी पल भर में खुशी में बदल गई। फ्लाइट में सफर कर रही लावण्या को धोनी दिख गया। बस क्या था, कहते हैं ना, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। ठीक वैसा ही चेन्नई से आई लावण्या के साथ हुआ। धोनी से मिलने की चाह को ऊपर वाले ने पूरा कर दिया। ऐसा करिश्मा हुआ मानो लावण्या के दिल की बात धोनी के कानों तक चली गई। उसने उसके साथ सेल्फी लिया और गिफ्ट को उसके हाथों में दे दी। लावण्या ने कहा, धोनी से बस एक मुलाकात करना चाहती है, वह मुझे जान ले यह मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। एक मिनट भी बात हो जाए यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। 7 जुलाई को रांची के राजकुमार महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन था। भारी संख्या में उसके चाहने वाले उससे मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसी दिन चेन्नई से लावण्या सिमलिया स्थित धोनी के फार्म हाउस पर पहुंची। रांची पहुंचने के लिए वह 6 जुलाई को रात के 11 बजे फ्लाइट से निकली। रात में बिना सोए हुए वह सुबह सुबह रांची एयरपोर्ट पर पहुंची। रांची एयरपोर्ट से वह अपने दो और दोस्तों के साथ धोनी के घर के लिए निकली। 7 जुलाई के दिन वह दिन भर उसका इंतजार करती रही। मुलाकात नहीं होने पर वह अपने दोस्तों के साथ वापस होटल रेडिसन ब्लू चली गई। अगले दिन उसके दोस्त वापस चेन्नई लौट गए। धोनी से मिलने की इच्छा को लेकर लावण्या 8 जुलाई को फिर से धोनी के घर के बाहर बैठी रही। उस दिन भी उसका वह इंतजार करते रही लेकिन धोनी उससे मिल नहीं पाया। दिन भर इंतजार की हुई लावण्या फिर से वापस होटल चली गई। अगला दिन उसका फ्लाइट था और वह चेन्नई के लिए रवाना हो गई। उसे लगा कि इस बार तो धोनी से मुलाकात नहीं हो पाई, अगली बार कोशिश करूंगी। लेकिन उसके दिल की बात धोनी तक पहुंच चुकी थी। जिस फ्लाइट में वह सफर कर रही थी उसी फ्लाइट में धोनी भी चेन्नई जा रहे थे। जब लावण्या की नज़र धोनी पर पड़ी तो वह काफ़ी खुश हुई। 2 दिन का इंतजार अब उसका पूरा हो चुका था। उसकी मुलाकात धोनी से हुई और उसने उसके साथ सेल्फी लिया और अपने साथ लाए हुए गिफ्ट को उसके हाथों में दिया और इस तरह धोनी से लावण्या का मिलने का सफर पूरा हुआ। मैं चाहती हूँ एक बार एक मिनट भी मिल जाए तो एक वन ऑन वन मतलब मिलने को हो जाए और बात हो जाए तो मिले, वो बहुत ही खुशी की बात होगी। और मेरे पास एक प्रॉपर फोटो नहीं है उनके साथ, सो ऑफकोर्स ये अगर मैं देते हुए एक फोटो मिल जाएगा तो लाइफ टाइम मेमोरी हो जाएगा। सोशल मीडिया पर अभी बहुत सारे लोग जोड़ दिए कि मैडम चेन्नई से आई हुई है और इनसे शादी करना चाहती हैं ऐसे वैसे वगैरह। वो गलत न्यूज था, अभी मैं इसमें बोलती हूँ, आई थिंक उन्होंने गलत मिसअंडरस्टैंड किया है। मैंने उन्होंने पूछा था आपकी शादी हो गई, मैंने बोला नहीं, मेरा पहला प्यार धोनी था और अभी वो हैप्पीली सेटल्ड है, मैं अभी हैप्पीली सिंगल हूँ। अच्छा, तो ये उसका इंटरप्रिटेशन हुआ था, आप अपने इसमें करेक्ट करके डाल सकते हैं।